योगी सरकार ने महिला शक्ति के लिए सरकारी खजाने का पिटारा खोल दिया है, लेकिन विपक्षी दलों को इस पर संदेह है। चुनाव के अन वक्त पर इस तरह की मदद को वो महज शिगुफा करार दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा तंज किया, उन्होंने कहा कि योगी सरकार के दौरान यूपी में महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा बढ़ा, ऐसे में भाजपा के महिला कल्याण के दावे हवाई। प्रयागराज में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर हर विरोधी दल के नेताओं ने पैनी निगाहें टिका रखी थी। भाजपा का मिशन 50% यानी आधी आबादी के वोटरों को लुभाने का ये मेगा दांव सबको चुभ रहा था। तर्कों के तीर तलाशे गए और इसे तर्कश से निकालकर तीखा किया गया। इसके बाद बोला गया सबसे चुभने वाला हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसमें सबसे आगे रहे। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार के दौरान महिलाओं का उत्पीड़न तेजी से बढ़ गया, ऐसे में योगी सरकार महिलाओं के कल्याण के बारे में सोच भी नहीं सकती। देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अगर कहीं अन्याय और उत्पीड़न हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। इस बार जनता नहीं भूली है, जिन्होंने लाइन में लगाया इस बार जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश हटा। सपा ने कहा कि यूपी की नारी भाजपा पर पड़ेगी भारी, तो कांग्रेस कहां पीछे रहती। भाजपा के मातृशक्ति कुंभ के दांव पर पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीखा तंज किया। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं देख लो, आपने अंगड़ाई ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सामने झुक गए, मगर अभी तो पत्ता हिला है, महिला शक्ति का तूफान तो आने वाला है, बहनों की एकजुटता क्रांति लाएगी। पांच सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा, मैं बहुत खुश हूँ। चुनावी मौसम की तपिश को प्रयाग के इस मातृशक्ति कुंभ ने और बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में यहां की ये सभा लगातार सुर्खियों में रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ा लिया वक्त एक छोटे से ब्रेक और ब्रेक